सुनील दत्त ने अपनी मां के कहने पर अपने छोटे भाई सोम दत्त को 1969 में फिल्म मन का मीत से लॉन्च किया। इससे पहले सोम दत्त सुनील दत्त की प्रोडक्शन टीम में असिस्टेंट का काम कर रहे थे, लेकिन वो हमेशा से फिल्मों में काम करना चाहते थे। सुनील दत्त अपने भाई को ना कहते रहे क्योंकि उन्हें उनमें कोई क्षमता नहीं दिख रही थी। उन्होंने सोम दत्त से कहा कि अभिनय के बारे में भूल जाओ और प्रोडक्शन पर ध्यान दो। तभी सोम दत्त ने अपनी माँ से अनुरोध किया कि सुनील को उसे लॉन्च करने के लिए कहें। माँ की बात को सुनील टाल ना सके। सोम दत्त की ही नहीं बल्कि लीना चंद्रावरकर, विनोद खन्ना और रंजीत की भी ये पहली फिल्म थी। फिल्म तो हिट रही, लेकिन सोम दत्त को इस फिल्म से कोई फायदा नहीं मिला, बल्कि इस फिल्म से लॉन्च हुए दूसरे एक्टर इंडस्ट्री में जम गए। इस फिल्म से इंडस्ट्री को लीना चंद्रावरकर, विनोद खन्ना और विलन के रूप में रंजीत जैसे सितारे मिले। और किस्मत की बात देखिए, इसी फिल्म से लॉन्च होकर विनोद खन्ना आगे चलकर सुपरस्टार बने।